आज का हमारा ट्रैक जल महल की पाल से, जो कि संकट मोचन बालाजी भी बोला जाता है, वहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं और हम लोग जाएंगे नारसिंह बुर्ज। सुबह के 6 बजे हैं, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, तो ये जल महल के नज़ारे और जल महल लेक जो है उसके नज़ारे आपको मिलते रहेंगे। ये लोकेश जी, गोपाल जी और अजय बाबू और वो सुदूर जल महल। एक एक करके सदैव कदमों से सब लोग ऊपर की तरफ जाते हुए, इस ट्रैक का ये पहला जो फेज है वही काफ़ी मुश्किल भरा होता है, तो अपनी स्ट्रेंथ को चेक करते हुए सारे ट्रैकर, वार्म अप होने का भी मौका नहीं मिलता इस ट्रैक में, पहले ही मुश्किल चढ़ाई आ जाती है। बिल्कुल सदैव कदमों से इस वॉल पे चलना पड़ता है क्योंकि बीच बीच में टूटी हुई है, बहुत सारे जो यहाँ पे स्टोन है वो डांसिंग है, तो बच के चलना पड़ता है। एक हम लोग वो जो सामने आपको बुर्ज दिख रहा है उसके ऊपर अभी जाएंगे और वहाँ का सनराइज जो है बहुत ही अमेजिंग होता है, देखने में मज़ा आता है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से कोई भी आदमी सनराइज को मिस नहीं करना चाहता और पहला टारगेट ही होता है कि सनराइज से पहले पहले यहाँ पे पहुँचा जाए, और हम लोग बिल्कुल ठीक टाइम पे हैं, ना ज़्यादा जल्दी ना ज़्यादा देरी से, तो आपको बहुत ही सुंदर सनराइज दिखने वाला है। आप ही अब देखिए यहाँ से जल महल, पूरा जल महल का जो तालाब है वो झील है वो दिख रही है आपको सामने, पूरा जयपुर शहर। और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं करवाता हूँ, मेरे साथ में आज लोकेश जी हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन और पिछले 20-25 सालों से ट्रैकिंग कर रहे हैं, ये बिल्कुल नए ट्रैकर हैं। प्रणय जी, आपको इनको देखा, आपने इनको देखा होगा मेरे साथ पिछले काफ़ी समय से आ रहे हैं और थोड़ा थोड़ा लर्निंग फेज में। हीरे मोती ऐसे पहाड़ आपको अगर प्रकृति से धीरज सीखना चाहिए और समय का
कैसे ध्यान रखा जाता है ये सीखना चाहिए। तो प्रकृति पूरे अपने खूबी के ऊपर है और आप देखिए सूर्य भगवान कैसे बिल्कुल क्षण क्षण बाहर आते हुए, और ये घटना रोज घटित होती है और जो भाग्यशाली लोग होते हैं वही इसको पा लेते हैं। यहाँ आना पड़ता है हर आदमी को। जयपुर में ऐसे कई सपोर्ट हैं, कई ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे लोग आकर ये चीज़ कैप्चर कर सकते हैं, परंतु मेरी नज़र में ये जयपुर का सबसे बेहतरीन सनराइज पॉइंट है, जहाँ पर आकर आप सनराइज को बहुत अच्छे तरीके से कैद कर सकते हैं, कोई भी तरह की हर्डल नहीं है। और देखिए बिल्कुल धीमे 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 सूर्य निकलते हुए, जो सूर्य उदय होता है उसको मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे किसी का भाग्य उदय हो रहा हो, और ऐसे ही सहनशील लोगों का भाग्य उदय होता है। धीमे धीमे मेहनत जो है काली रात्रि को पीछे छोड़ के और आपको नई किरणें देने के लिए सामने आ जाती है, और कुछ इस तरह आपके जीवन में लालिमा भी घेरती है। हम लोग इस समय ऐसी रिज के ऊपर चल रहे हैं जहाँ पर एक तरफ पूर्व है एक तरफ पश्चिम है, और जब आप निकलते हैं यहाँ से तो आपके साथ साथ ही सनराइज होता है, और निश्चित ही आपको जो यहाँ पर मज़ा आता है अनुभव मिलता है वो बहुत ही शानदार होता है। ये सनराइज, और बगल में आप देखोगे इधर पश्चिम में जलमहल और शानदार चलती हुई हवा, और बिल्कुल जिसको आप कल्पना कर सकते हैं कि बिल्कुल तीखी रिज है ये। नीचे की तरफ आप देखोगे तो बहुत कम जगह है चलने के लिए, तो बहुत ही सदैव कदमों से चलना पड़ता है। एक तरफ कैक्टस है, काफ़ी मुश्किल परंतु मज़ेदार। आप ये देख सकते हैं कितने भयंकर कैक्टस हैं यहाँ पे, मैं भी बता रहा हूँ। रुक सा, यही रुकूँ क्या? बता देना। डॉक्टर राकेश चौधरी के पीछे आ रहे हैं मिस्टर अजय चौधरी, तो इनको इस ट्रैक के खोज का श्रेय मिलता है, और जब ये पहली बार यहाँ पे आए थे तो उसकी जो तकलीफ थी जो मुश्किल इन्होंने झेली है उसके बारे में भी हम इनका अनुभव जानेंगे, क्योंकि इस ट्रैक को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष वाला ट्रैक रहा होगा ये, जब पहली बार कोई आदमी यहाँ पे आया होगा। और बहुत सघन जंगल है और कैक्टस से भरा हुआ है, तो यहाँ पे बड़े संभल के चलना पड़ता है। एक साइड खाई है, दूसरी तरफ कैक्टस है।
देखने हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो। पाल के राइट में जो वाटर बॉडी है इसको आप देखिए, ये ह्यूमन लीवर बिल्कुल रिजेंबल कर रही है। शायद अगर आप एक पिक्चर देखें ह्यूमन लीवर की तो कोई फर्क ना कर पाएंगे, ये सब नेचुरल है। पहाड़ी का बेस्ट पॉइंट है फोटोग्राफी पॉइंट। चलिए चलिए चलिए, अरे रुको यार, फोटो तो खींचने दो। एक यार फोटो भी देखा तू? अरे मैंने देखा ही है, उठा जाता है वो नहीं जाता। गई बहुत नीचे, और हमने लस्सी बोला नहीं था, रस्सी बोला था, वापस नहीं चली जाए। नहीं अजय जी आते उधर से ही, जिधर से गए थे पर इधर छिलके पड़े थे तो ये खुशबू आ गई तो ये तो इधर ही दिखता है कोटा, इधर ना केला उसको भाई। मैं सुबह सुबह उठती नहीं है। अजय जी एक मिनट, बहुत डूंगरी से फिर उधर जाके ये टॉप पे आ जाता है। वैसे देखो ना, अच्छा साइकिलिस्ट को सब पता होता है, हाँ चढ़े भी होता है, एक साइड से चढ़ के फिर वापस उतरे, भैरू मंदिर होके चक्कर लगा के उतरना। सर बैग Thank you.
डा साहब आपको उतराना पड़ेगा। नहीं नहीं बहुत अच्छा पॉइंट है वो। सर उधर उधर एक बार फोटो के लिए। अजय जी गोयनका साहब एक बार जाओ यहीं पे। गोपाल जी बस हाँ हाँ चाहिए ना आप सब तो आ ही रहे हो। उसका भी एंटीडोट नहीं है। चलो इसका भी एंटीडोट दिया था। गोपाल जी यहीं से उतार रहे थे आप? यहीं से उतार रहे थे? कैसे पता नहीं कहाँ से कह रहे थे बीच में से उतरेंगे। अगर किसी ने केला खाने के बाद थोर का पाचड़ा खा लिया तो उसका काम कर दिया। हाथ मिल लेते हैं। और ये झाड़ी तो निकलती इसने तीस जाके बैठ गए वहां। अच्छा हमें इसमें भी साइड फंस गए। थोड़ा सा पूछने का तरीका वियर्ड हो सकता है मगर मीना जी ने बहुत सेंसिबल क्वेश्चन पूछा है। ये लहराते हुए पेड़ आपको बता रहे हैं कि कितनी शानदार हवा चल रही है इस समय। हम लोग पहाड़ की चोटी के ऊपर हैं और जोरदार हवा के झोंके आ रहे हैं हमें। ट्रैकिंग का असली मज़ा जब वो थोड़ा मुश्किल हो तभी आता है। आसान ट्रैक करना आम बात है और थोड़ा टफ ट्रैक करना थोड़ी अलग बात है। तो आपको कुछ अलग दिखाने के लिए ये ट्रैक किया गया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से कैक्टस और झाड़ियों के बीच में से निकलना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। ये जो पहाड़ का तीखापन आपको दिख रहा है, ये जो तीखी पथरीली राहें होती है, ये जो तीखे पत्थर हैं, अगर गलती से आपका पांव इधर उधर रखा जाए तो ये सीधा पांव काटने वाला काम करती है। तो इसलिए बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। थोड़ी सी असावधानी आपको बहुत बड़े खतरे में डाल सकती है, आपको घायल कर सकती है।
तो जो ट्रैकिंग है वो एक तरह का हम कह सकते हैं कि मेडिटेशन भी है, एक तरह का ध्यान है। थोड़ा सा आपको बहुत संभल कर चलना पड़ता है और आपके जो मन में विचार आ रहे होते हैं वो एक बार के लिए रुक जाते हैं और सिर्फ ट्रैक में ही ध्यान दे पाते हैं। बहुत घना जंगल है, मेरे साथी थोड़े आगे निकल चुके हैं, मैं अकेला थोड़ा पीछे हूँ। और ये एरिया जो है ये लेपर्ड का एरिया है, मेरे साथी मेरे को दिखाई दे रहे हैं सामने। संतोष की बात यह है कि थोड़ी छाया है यहाँ पे अभी, अन्यथा जो पहाड़ की चोटी पे हवा के साथ साथ कभी कभी उमस का दौर भी आता है बहुत भयंकर। और आप ये देखिए इतने बड़े कैक्टस जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, पहाड़ की चोटी के ऊपर बहुत बड़े बड़े कैक्टस हैं, बहुत बड़े बड़े कैक्टस। देखिए आप, अच्छा कैक्टस जो है ना वो भी बहुत एक अच्छी चीज़ है। इस पे आपको ये पत्तियाँ जो दिखाई दे रही है, मैं जो दिखा रहा हूँ, ये पत्तियाँ मारवाड़ में जो पुराने लोग हैं वो इनको तोड़ के इनका अचार बनाते हैं, इनकी सब्जी बनाते हैं। ये बहुत खट्टा मीठा स्वाद होता है इसका और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो कैक्टस का जंगल इस समय हम पार कर रहे हैं, भयंकर कैक्टस है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, थोड़ा सा इधर उधर हो और कैक्टस की चपेट में आप आ सकते हो। और उसका कांटा जो है आपके शरीर के अंदर गहरा चला जाता है और तकलीफ़ होती है कई दिनों तक, तो बहुत संभल के चलना पड़ता है। वो सामने जलमहल दिख रहा है यहाँ से,
अच्छा कुछ फलियां है जिसका कुछ तो यूज होगा, इसका पत्ते इसके अमरूद के जैसे हैं और फलियां जो है वो सेम जैसी फलियां हैं, तो इसके चिपकी रहती है देखो। हाँ नीचे से चिपकी हुई है, नीचे भी चिपकी है। हाँ नीचे चिपकी हुई है सारी फलियां। हाँ और इधर से दूर निकला दूध गिरता हुआ, तो इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ हार्डी सर बता सकते हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी समय गुजारा था पिछली बार और तिरंगा लहराता हुआ। प्रणय जी, प्रणय जी, ओ प्रणय भाई, किससे कौन? वो देखो, ये देखो पूरी जान लगा रही ये कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो बुढ़ापे की वजह से थोड़ी खांसी वांसी आ रही है। कहाँ है तार? ये आपके पैरों में ऐसे? ये रहा नीचे। हाँ ये रहा, ये रहा, आगे आगे आगे। अच्छा एक और का आएगा, एक फ्लैट आएगा। चला जी, मीना जी वहाँ से लेफ्ट टर्न होगा, अपने को लेजी पे ही रखो। लेजी पे ही रखें? वो स्ट्रक्चर नहीं ढूंढे? अच्छा ठीक है, लेजी पे ही रखें। वेजिटेशन इतना बढ़िया है ना, देखो रास्ता ढूंढना बड़ा मुश्किल है। सर इस कैक्टस के बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो गजब का कैक्टस है, बीच में उसका वीडियो डाला था मैंने। कौन सा आगे? एक आशीष विट्टल है, वो एक दो बार ट्रैक में आया हमारे साथ भी, एक दो ऐसे फंस गए जिंदगी में दोबारा सुधर नहीं गया। हाँ तो वो उसने एक वीडियो खींचा था, तो वो वीडियो मैंने अपने स्टेटस पे लगाया, बड़ा मजेदार था। रवि सर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।
आप ये फील करिए कि किस ऊंचाई से हम लोग नीचे जा रहे हैं। अभी सामने आपको जलमहल दिख रहा है, पूरा जयपुर दिख रहा है, और यहाँ की जो हाइट है वो ज़बरदस्त है। यहाँ से मेरे राइट हैंड साइड में आपको देखो जयगढ़ का किला दिख रहा है। ये फ्रंट में देखो, ये मीणा जी, ये बहुत बड़ा किला है अपने आप में अपने आप में। और ये वाव नारसिंह बुर्ज, एक पीला और एक लाल रंग का और एक सफ़ेद रंग का झंडा दिखते हुए। गजब, वाव गजब। कांटे हैं, कांटे नीचे। उधर से बहुत लंबा पड़ता है और वो रास्ता भी ज़्यादा तय नहीं करना पड़ेगा अपने को, सीधा कार के पास ही पहुँचेंगे थोड़ा सा। नहीं कार के पास तो नहीं, हाँ मतलब ज़्यादा उतना नहीं तय करना पड़ेगा, बात उस पे पहुँचेंगे। हाँ पाल पे, मंदिर पे। हाँ मंदिर पे, हाँ नीचे वो बैरू जी का मंदिर है क्या? पता नहीं कौन सा मंदिर है, उससे हनुमान जी का है जिस पे पहुँचेंगे। अच्छी लग रही है, सारा कुछ तो इसमें हो गया होगा। सही बात है, बस वो अरे पता नहीं है, विटामिन सी है, डी है, की है। हाँ कुछ तो है, तो कुछ तो होगा। रवि से ट्राई कर सकते हो। देखिए अपन इस समय हम लोग लेजी रिज से नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पे दो रिज है जो फेमस है, जिनका नामकरण हम लोगों ने किया हुआ है। एक क्रेजी लिज है, क्रेजी रिज, एंड दूसरी है लेजी रिज। तो ट्रैकिंग करते करते जंगल से भी इतना प्यार हो जाता है कि आप उसको प्यारे प्यारे नाम देते हो। रंका जी गिरोगे, वो नहीं लेट बांधो। अच्छा लेट खुल गई क्या? सदे हुए कदमों से धीरे धीरे उतरते हुए सब लोग, और आप हमारे ट्रैकर्स का डेडिकेशन देखिए। ये लड्डा जी हैं, इनके जो पाँव का अंगूठा है उसके अंदर चोट लगी हुई है, नाखून टूटा हुआ है, फिर भी ये ट्रैक नहीं छोड़ना चाहते, और इस दर्द के साथ में भी ये मज़ा इनको कुछ अलग से फील दे रहा है। हम लोग अभी पहाड़ से नीचे उतर चुके और अब हम लोग बिल्कुल एकदम मैदान में आ चुके हैं, पहाड़ से नीचे उतर कर मैदान की तरफ। हम लोग पहुंच गए हैं वीर हनुमान मंदिर, बहुत ही खूबसूरत और सुंदर जगह है ये। पुजारी जी सात्विक भोजन की तैयारी करते हुए।
हाँ चलेंगे ना। आज का ट्रैक फिनिश करके सब लोग अपना आराम करते हुए बैठ के चलो चलो अब खाने का 5 ही मिनट में फोन कर रहे हैं कुछ अलग बना ले। और आज के ट्रैक के मेरे साथी गोपाल जी मेरे साथ हैं और इनसे पूछ लीजिए कि मैं बहुत शानदार वीडियो बनाता हूं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आगे इसको शेयर भी कीजिए। हाँ सर, सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सब्सक्राइब करें और शानदार वीडियो देखें। ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप ये देखिए, काफ़ी लोग मेरे साथ में ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं। सब लोगों को धीरे धीरे मैंने आदत डाली है ट्रैकिंग की तो सब फॉलो भी करते हैं। हाँ, सब लोग फॉलो भी करते हैं। ये देखिए आप, ये लगभग आप हाइपर एक्टिव हो तो 10-12 लोग हैं मेरे साथ में जो रेगुलर मेरे साथ ट्रैकिंग करते हैं और इनको मैंने ट्रैकिंग की एक एक बारीकी सिखाई है। अब जैसे योगी है, अब वो आपकी तरह उछल ले लेते हैं। यार यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं है, आप कोई बात नहीं सर, आपको पता। हाँ हाँ कुछ आ जाएगा तो आप करोगे तो आएगा, कुछ करोगे तो आएगा। हाँ, हाथ छोड़ोगे, पैर छोड़ोगे। अपन को अंदर का रास्ता नहीं मालूम था, कहाँ से चढ़े, यहाँ तक घूमे, यहाँ से आगे चले गए। क्या कर रहे हो? नहीं मिली क्या जगह? मोहब्बत करने के लिए चट्टानी मिली है तो सर मैं नीचे उतरूं क्या? आ जाओ, आ जाओ, नीचे आ जाओ। पढ़ने आप राइट राइट हो जाओ, राइट यही राइट चढ़ जाना ऊपर यार। अरे वापस, अरे आ जा, पढ़ने वापस आ जाओ, लेट हो जाएंगे यार फिर।